डेविड धवन और गोविंदा, इस जोड़ी ने पब्लिक को खूब हंसाया है और मिलकर खूब सफल फिल्में बनाई हैं। इवन डेविड धवन की पहली सुपरहिट फिल्म भी गोविंदा के साथ ही थी, साल 1992 में आई शोला और शबनम। लेकिन बावजूद इसके डायरेक्टर डेविड धवन के करियर में ऐसी और कई सुपरहिट फिल्में हैं जिनके हीरो गोविंदा नहीं थे, और उन्हीं में से पहली फिल्म है साल 1997 में आई जुड़वा। दरअसल जुड़वा फिल्म भी पहले गोविंदा ही करने वाले थे, लेकिन फिल्म का कॉन्सेप्ट सलमान खान को काफी पसंद आया और सलमान खान ने गोविंदा से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें ये फिल्म करने दे। लिहाजा फिर सलमान खान ने फिल्म में डबल रोल किए और जुड़वा सलमान खान की डेविड धवन के साथ पहली फिल्म रही। दोस्तों, जुड़वा फिल्म साउथ की हेलो ब्रदर फिल्म का रीमेक है और इसे 6 करोड़ के बजट में बनाया गया, जो की आज 2024 के हिसाब से होते हैं 31 करोड़ 14 लाख, और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 13 करोड़, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 67 करोड़ 47 लाख, और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 25 करोड़, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 129 करोड़ 75 लाख, और अकॉर्डिंग टू कलेक्शंस जुड़वा एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। जुड़वा के बाद जिक्र आता है कमल हसन स्टारर तमिल फिल्म साथी लीलावती की रीमेक साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म बीवी नंबर 1 का। बीवी नंबर 1 फिल्म में सलमान खान और अनिल कपूर के साथ करिश्मा कपूर और सुष्मिता सेन तथा तबू लीड रोल्स में नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म का जो रोल सलमान खान ने किया वो रोल भी पहले गोविंदा ही करने वाले थे, लेकिन गोविंदा ने ये कहकर ये फिल्म रिजेक्ट कर दी कि वो अन्नाड़ी नंबर 1 और साजन चले ससुराल फिल्म में ऐसे रोल कर चुके हैं, इसलिए बाद में सलमान खान साइन किए गए। बीवी नंबर 1 फिल्म को 12 करोड़ के बजट में बनाया गया, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 52 करोड़ 56 लाख, और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 25 करोड़ 58 लाख, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 112 करोड़ 40 लाख, और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर कलेक्शन किया 41 करोड़ 64 लाख, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 182 करोड़ 38 लाख, और अकॉर्डिंग टू कलेक्शंस बीवी नंबर 1 एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई और साल 1999 में हम साथ साथ हैं के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। बीवी नंबर 1 के बाद जिक्र आता है साल 2013 में आई डायरेक्टर डेविड धवन की फिल्म चश्मे बद्दूर का, जिसके लीड रोल में अली जाफर, तापसी पन्नू, दिव्येंदु और सिद्धार्थ नजर आए थे, और ये 1981 की फारूक शेख और दीप्ति नवल स्टारर इसी नाम की फिल्म का रीमेक है। चश्मे बद्दूर फिल्म को 20 करोड़ के बजट में बनाया गया और इसने इंडिया में 42 करोड़ का कलेक्शन किया, और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 62 करोड़, और अकॉर्डिंग टू कलेक्शंस चश्मे बद्दूर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, और ये एक्ट्रेस तापसी पन्नू की हिंदी सिनेमा में डेब्यू फिल्म रही। चश्मे बद्दूर के बाद जिक्र आता है साल 2017 में आई फिल्म जुड़वा 2 का। जुड़वा 2 डेविड धवन की ही सलमान खान स्टारर 1997 में आई फिल्म जुड़वा का रीमेक है, और जुड़वा 2 में सलमान खान वाला रोल डेविड धवन के बेटे वरुण धवन ने किया। जुड़वा 2 फिल्म को 50 करोड़ के बजट में बनाया गया और इसने इंडिया में 138 करोड़ का कलेक्शन किया, और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 213 करोड़, और अकॉर्डिंग टू कलेक्शंस जुड़वा 2 एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। जुड़वा 2 के बाद जिक्र आता है साल 1994 में आई फिल्म अंदाज का, जिसमें लीड रोल किए थे अनिल कपूर, जूही चावला और करिश्मा कपूर ने। अंदाज फिल्म को 3 करोड़ के बजट में बनाया गया, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 20 करोड़ 10 लाख, और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 5 करोड़ 30 लाख, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 35 करोड़ 51 लाख, और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 9 करोड़ 90 लाख, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 66 करोड़ 33 लाख, और इंडिया के कलेक्शंस के अकॉर्डिंग तो अंदाज फिल्म को हिट कहा जा सकता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से इसे आसानी से सुपरहिट फिल्म कहा जा सकता है। वैसे रिपोर्ट्स के अनुसार अंदाज फिल्म के कुछ हिस्सों का डायरेक्शन अनीस बज्मी ने किया था, क्योंकि प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी और डायरेक्टर डेविड धवन के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। अंदाज फिल्म के बाद जिक्र आता है साल 1997 में रिलीज हुई अक्षय कुमार और जूही चावला स्टारर फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी का। मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी फिल्म को 5 करोड़ 75 लाख के बजट में बनाया गया, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 29 करोड़ 84 लाख, और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 9 करोड़ 34 लाख, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 48 करोड़ 47 लाख, और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 13 करोड़ 14 लाख, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 68 करोड़ 19 लाख,
और इंडिया के कलेक्शन के हिसाब से मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी को एक हिट फिल्म कहा जा सकता है, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से देखें तो इसे एक सुपर हिट फिल्म कहा जा सकता है। वैसे मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी डेविड धवन की ही गोविंदा और अनिल कपूर स्टारर फिल्म दीवाना मस्ताना के साथ रिलीज हुई थी। मतलब ये दोनों ही फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थी और मजे की बात ये है कि इन दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर तो डेविड धवन थे ही, साथ में इन दोनों ही फिल्मों की लीड हीरोइन भी जूही चावला ही थी और दीवाना मस्ताना बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। और मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी के बाद जिक्र आता है साल 2000 में रिलीज हुई सलमान खान और करिश्मा कपूर स्टारर फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे का। दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म को 11 करोड़ के बजट में बनाया गया, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 46 करोड़ 31 लाख, और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 18 करोड़ 85 लाख, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 79 करोड़ 35 लाख, और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 31 करोड़ 57 लाख, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 132 करोड़ 90 लाख, और इंडिया के कलेक्शन के हिसाब से तो दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म को हिट कहा जा सकता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कहा जा सकता है, और ये साल 2000 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी रही। दुल्हन हम ले जाएंगे के बाद जिक्र आता है साल 2004 में आई फिल्म मुझसे शादी करोगी का। मुझसे शादी करोगी फिल्म को डायरेक्ट तो डेविड धवन ने किया था, लेकिन इसके लेखक रहे अनीस बज्मी, और पहले इसे अनीस बज्मी ही डायरेक्ट करने वाले थे और फिल्म का लीड रोल बॉबी देओल करने वाले थे, लेकिन अन्य फिल्मों में व्यस्तताओं के चलते जब बॉबी देओल फिल्म के लिए तैयार नहीं हो पाए, फिल्म के लिए उन्होंने मना कर दिया, तो फिर अनीस बज्मी ने इसे डायरेक्ट करने का इरादा छोड़ दिया और डायरेक्शन का जिम्मा डेविड धवन को सौंपा, और इस फिल्म में फिर लीड रोल किए अक्षय कुमार, सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा ने। मुझसे शादी करोगी फिल्म को 19 करोड़ के बजट में बनाया गया, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 68 करोड़ 59 लाख, और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 29 करोड़ 11 लाख, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं लगभग 105 करोड़, और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 53 करोड़, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 191 करोड़ 33 लाख, और इंडिया के कलेक्शन के हिसाब से तो मुझसे शादी करोगी फिल्म को हिट कहा जा सकता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से इसे सुपर हिट फिल्म कहा जा सकता है। मुझसे शादी करोगी के बाद जिक्र आता है साल 2006 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का। फिल्म में सलमान खान, सुष्मिता सेन और कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म एक पुरानी हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है और फिल्म के डायरेक्टर रहे ओबियसली डेविड धवन। फिल्म को 15 करोड़ के बजट में बनाया गया, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 51 करोड़ 90 लाख, और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 25 करोड़ 70 लाख, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 88 करोड़ 92 लाख, और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर कलेक्शन किया 46 करोड़, जो कि आज 2024 के हिसाब से होते हैं 159 करोड़ 16 लाख, और अकॉर्डिंग टू कलेक्शंस मैंने प्यार क्यों किया को एक सुपरहिट फिल्म कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी डेविड धवन की वो 9 सुपरहिट फिल्में जिनके हीरो गोविंदा नहीं थे, और इस लिस्ट में और ऐसी कोई फिल्म छूट गई हो तो इसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें, और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लैशबैक। धन्यवाद।